So, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आम की चटाकेदार चटनी की रेसिपी। So, इस तरीके से आपने बनाया कभी कमेंट करना, अगर नहीं बनाया तो बना के जरूर ट्राई करना, इतनी टेस्टी बनेगी यकीन मानिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक आम लिया है और उसे कट कर लिया है, उसी के साथ एक टमाटर और कुछ हरी मिर्च, इसको मैंने सरसों के तेल में हल्का सा भून लिया है। इस तरीके से देख सकते हैं आप, टमाटर भी भून चुका है और आम भी, दोनों साइड अच्छे से भून लीजिए। इसके बाद इसे प्लेट में निकाल लीजिए। सो इस तरीके की चटनी ट्राई करते रहिए, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर मैंने प्लेट में निकाल लिया है, अब हमें इसके छोटे छोटे पीस करने हैं। इसके बाद हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो है ये, तो हमें इसे पीसना है हाथों से। तो सिलबट्टे में मम्मी इसे पीस रही है, क्योंकि हाथों से पीसी हुई चटनी का स्वाद डबल हो जाता है। तो यहाँ पे माँ का स्वाद भी मिल गया है इस चटनी में, तो चटनी चटाकेदार ही बनने वाली है। तो देख सकते हैं चटनी यहाँ पर बन गई है, और अब हमें इसमें मिलाना है एक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज का इसमें जो क्रंचपन आएगा ना, बहुत ही लाजवाब। और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल दीजिए नमक और चिली फ्लेक्स, और इसे करिए मिक्स मिक्स मिक्स। जितने देर तक आप मिक्स करेंगे उतना अच्छा है। और मिक्स करने के बाद क्या करना है, इसको ऐसे खाना है और टेस्ट करना है, और टेस्ट कैसा लगा बताना जरूर है। सब मिलते हैं नई वीडियो में।